आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर से ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, जिसे कि आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे और बड़ी इजी तरीके से बनकर तैयार होती है और आप इस मिठाई को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले अपनी कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगी एक कटोरी घी। देखिए कटोरी में से मैंने घी बचा लिया है, हाफ कटोरी घी डालना है। आप चम्मच का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, आप चम्मच से भी इस घी को डाल सकते हैं। और अब हम अपने घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए हमारा घी मेल्ट होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास दूध। फ्रेंड्स, एक गिलास दूध से ही मैं आपको ये मिठाई बनाकर दिखाऊंगी, जिसे कि आप चटकारे ले लेकर खाएंगे और आपके बच्चे बार बार डिमांड करके बनवाएंगे। तो देखिए मैं अब इसमें एक गिलास दूध डाल देती हूँ। ये फुल क्रीम दूध है, वैसे तो आप इसमें टोंड भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पहले से घी काफ़ी डाल लिया है तो इसमें टोंड घी भी चलेगा। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो देखिए ये मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इसमें और इसे हिलाती रहूँगी धीरे धीरे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मिल्क पाउडर खाना पसंद करते हैं। तो देखिए अब हम अपने मिल्क पाउडर को अच्छे से दूध में मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर ये लम्स दिख रहे हैं, लेकिन ये लम्स जितना आप हिलाएंगे ये अपने आप ही आप ख़त्म होते चले जाएंगे। और अब इसमें 3 से 4 चम्मच मैं और मिल्क पाउडर डाल ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी और आपको इसे लो फ्लेम पर बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं इसी तरह हिलाती रहूँगी, ये बहुत जल्दी मिठाई के कंडीशन में आ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने मिल्क पाउडर कितना लिया है, तो फ्रेंड्स मैंने 250 ग्राम इसमें मिल्क पाउडर डाला है। एक गिलास दूध में 250 ग्राम मिल्क पाउडर काफ़ी हो जाता है, उसी से ही आपकी हाफ के जी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है, एकदम से इसे बिल्कुल नहीं उतारना है, क्योंकि मिल्क पाउडर जब पक जाता है अच्छे से तो हमारी मिठाई काफ़ी दिखने में भी अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल रबड़ी जैसी हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इसे और पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इसे पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना ये नीचे की तरफ से लग भी जाएगा और खाने बिल्कुल स्वाद नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। आपको इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, आप बिल्कुल इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसे जितना हिलाएंगे उतनी ही आपकी मिठाई स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है इनका कलर। आपको इसे अब भी 2 से 3 मिनट के लिए और हिलाना है। फ्रेंड्स, इसमें कम से कम 15 मिनट लगते हैं आपकी मिठाई बनाने में, आपको इसे 15 मिनट के लिए तो इसी तरह हिलाना ही हिलाना है। तो देखिए आपको ये इसका टेक्सचर भी दिखाई दे रहा होगा कि यह है कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई। देखिए यह बिल्कुल चिकनी बन चुकी है और हमारी कढ़ाई से भी बिल्कुल चिपक नहीं रही है। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी हुई है। और फ्रेंड्स, जितने आप इसे हिलाएंगे उतनी ही आपकी मिठाई का कलर रेड होता चला जाएगा और यह अच्छे से पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए और हिला लेती हूँ ताकि इसका कलर और भी चेंज हो जाए और ये खाने में स्वादिष्ट लगे। फ्रेंड्स, इसे आप जितनी पकाओगे और जितना इन्हें ब्राउन कलर के करोगे उतनी ही आपकी मिठाई काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छी लगेगी। तो देखिए मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी, बिल्कुल मैं लो फ्लेम से पे पका रही हूँ और मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे 5 मिनट और पकाने जा रही हूँ ताकि ये इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बने।
तो देखिए हम इसे इसी तरह हिला हिला कर, बिल्कुल आप देख सकते हो अब इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं कि आपने इसमें चीनी क्यों नहीं डाली। तो फ्रेंड्स जो मैं मिल्क पाउडर लेती हूँ इसमें चीनी पहले से ही उपलब्ध होती है, तो इसमें चीनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, इसमें चीनी पहले से ही ऐड होती है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डालती हूँ। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि चीनी इसमें इसलिए नहीं डाली जाती है क्योंकि मेरे मिल्क पाउडर में चीनी है। और फ्रेंड्स बहुतों के कमेंट मेरे पास ये भी आए हैं कि फ्रेंड ये हमारी ग्रीन कलर की बनती हैं, तो उसका भी मैं आपको आज बता ही देती हूँ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स ग्रीन कलर की जिनकी मिठाइयाँ बनती है या जिनका पेस्ट ये ग्रीन कलर का बन जाता है वो हमारे मिल्क पाउडर के ऊपर डिपेंड होता है। हमारा मिल्क पाउडर कई फ्लेवर में आता है, जो आंगनबाड़ी से मिल्क पाउडर मिलता है उसमें कई फ्लेवर मिलते हैं, जैसे कि इलायची फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और ये जो मैंने अभी बनाया है ये है वनीला फ्लेवर। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी अगर आप मिठाई बनाने जा रही हैं तो वनीला फ्लेवर की बनाइएगा, यही मिठाई आपकी इस कलर में बनेगी। और अगर आप इलायची फ्लेवर में बनाना चाहो तो उस कलर इलायची फ्लेवर वो बिल्कुल आपके ग्रीन कलर की बनने वाली है। तो फ्रेंड्स आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ग्रीन कलर की मिठाई किस लिए बन रही है, उसका यही रीज़न है कि आपका जो मिल्क पाउडर है वो इलायची फ्लेवर में है। तो देखिए मैंने इस प्रकार का एक मिठाई की डिब्बा ले लिया है और उसी में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, जिससे कि हमारी मिठाइयाँ चारों तरफ चिपके नहीं, और इसे बुरश की सहायता से चारों तरफ फैला लेंगे। आप चाहो तो इसमें अपना बटर पेपर भी रख सकते हो, लेकिन मैं बिना बटर पेपर के लगा रही हूँ क्योंकि यह ठंडी होने के बाद अपने आप निकल जाती हैं। इसमें बस थोड़ा सा हल्का अगर आप चिकना करके इसे निकालोगे तो बड़ी आसानी से निकल जाती है ये। तो जो पेस्ट मैंने बनाया है अब मैं धीरे धीरे वो पेस्ट इसमें डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की मैंने एक स्पून ले ली है और अपना जो ये पेस्ट है जो चारों तरफ लगा हुआ है इसे हम इस तरह उतार लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने चम्मच को बिल्कुल साफ़ कर लिया है और अब हम अपनी मिठाई को धीरे धीरे इसमें अपनी टीम में एक जैसी बना लेंगे। आपको ये चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी कर लेनी है। और फ्रेंड्स अगर आपकी ये चम्मच पर बार बार चम्मच चिपक रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी चम्मच पर ये बार बार चिपकेगी नहीं और इसे जमाने में काफ़ी आपको सहायता मिलेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से जमकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसे बिल्कुल एक जैसी बना लिया है। बस अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देती हूँ। आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, वैसे तो ये बाहर रखोगे तभी आपकी मिठाई ठंडी होकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए मैं इसे अब फ्रिज में रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर फ्रिज से बाहर रख दूँगी, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी ये मिठाई जम चुकी है, मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मैं इसे आराम से इस तरह, तो देखिए आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया हो और कितने अच्छे तरीके से जम चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सिल्वर फॉइल, जिससे कि ये दिखने में भी अच्छी दिखे और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है, आप इसकी कटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, गोल काटना चाहो तो गोल भी काट सकते। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनी हुई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब आप अपने घर के मेम्बरों को इन्हें खिलाएंगे तो वह बार बार इन्हें बोल बोल के बनवाएंगे। मैंने इसे सर्व कर दिया है, आप चाहो तो इस पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो। तो अब मैं इनमें से एक मिठाई आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, देखिए अंदर से इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल हलवाई वाली मिठाइयों से भी अच्छा आया हुआ है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।